मुनव्वर फारीक क्या है अभी भी अपनी एक्स वाइफ के टच में? आखिरकार मुनव्वर फारीक ने अपने ज़िंदगी को लेकर कौन सी सच्चाइयाँ सबके सामने रख दी हैं? वेल, क्या कुछ कहा है मुनव्वर फारीक ने अपने एक्स वाइफ के टच में होते हुए और इन बातों को लेकर क्या कुछ रिवील किया है? चलिए पूरी अपडेट बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। वेल, आपको बता दूँ कि मुनव्वर फारीक जो कि शो लॉकअप के ज़बरदस्त विनर बनकर निकले हैं और कहीं ना कहीं मुनव्वर फारीक के ज़िंदगी को लेकर जितनी भी चीज़ें हैं फैंस जानने के लिए हमेशा ही एक्साइटेड होते हैं। आपको बता दूं कि जिस तरीके से मुनव्वर फारीक ज़बरदस्त तरीके से फैंडम अपनाए हैं, वैसे ही मुनव्वर फारीक के ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हलचल होती है वो सभी चीज़ें लगातार मुनव्वर फारीक जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने फैंस से शेयर भी करना चाहते हैं और फैंस जानने के लिए भी एक्साइटेड होते हैं। इसीलिए जहाँ मुनव्वर फारीक ने अपनी बॉबी को लेकर सबके सामने फाइनली ये कर ही दिया है, ये बता ही दिया है कि उनकी बहुत ही प्यारी सी गर्लफ्रेंड है और जो कि काफ़ी ज़्यादा उनका साथ चुकी हैं जब उनका वक्त ख़राब था, जब उनकी ज़िंदगी ख़राब थी। वेल, अब आपको बता दूं कि सबसे पहले मुनव्वर फारीक के फैंस का तो सबसे बड़ा ये सवाल है कि आखिरकार क्या उनके क्या मुनव्वर फारीक अपने एक्स वाइफ और अपने बच्चे के टच में हैं? तो मुनव्वर फारीक ने इस पर किया है रिवलेशन और मुनव्वर फारीक ने कहा है हाँ, जी हाँ, मुनव्वर फारीक अपने बेटे को लेकर अपनी एक्स वाइफ के टच में है। बाकी अपने बेटे के अलावे और उनके एक्सपेंसिस के अलावे मुनव्वर फारीक का उनसे कोई भी रिश्ता नहीं है। वेल, मुनव्वर फारीक ने ये सभी चीज़ें अपने फैंस को क्लियर कर दी है। आपका क्या कुछ रिएक्शन है इस पूरी अपडेट को लेकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।